अंकल ये बताएं कितना टाइम हो चुका है इसको? 1990 में लगाया था। अच्छा 1990 में कितने का? 2.5 रुपए का। 2.5 रुपए का बेचते थे उस टाइम। अच्छा आप कितने का? आप बर्गर 130 रुपए का है। आज मैं आपको दिखाऊंगा हैदराबाद के बहुत ज़्यादा मज़ेदार खाने। इसे वीडियो बनाने आया था लेकिन मुझे 4-5 लोग मिल गए कि कह रहे थे भाई मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। इन्होंने कहा कि भाई मैं आपको पहचान गया छल्ले से। कितने टाइम से पी रहे हैं? तो 20 साल से लगा हुआ है इनका ना। हाँ हमको बचपन से पी रहे हैं। बचपन से पी रहे हैं। इतने बड़े हम भी आया करते थे। अच्छा भाई इतने बड़े आते थे और इतने बड़े हो चुके हैं। ये भाई हैदराबाद की बेहतरीन लस्सी। और ये कह रहे हैं कि गर्मियों में तो इतना रश होता है कि खड़े होने की जगह नहीं होती। मतलब आधे आधे एक एक घंटे के लोग वेटिंग में होते हैं। ये बड़ा बाल्टी का टाइट सीन बना हुआ है। बीफ में बीफ गोला कबाब है, बीफ रोटी है। अच्छा बीफ में आओ गोला कबाब में चिकन भी मिलेंगे। गोला कबाब भी गोला कबाब। अच्छा ये कौन से वाले गोला कबाब? ये बीफ गोला कबाब है, चिकन का गोला कबाब है। ये देखिए वाली चटनी के साथ ट्राई करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आ गए हमारी इमली वाली चटनी। और अगर आप इसके दही वाली इसके साथ चटनी ना लगाएं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और इसके साथ हम लाएंगे प्याज थोड़ी। ये देखिए ओए ओए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनके कबाब जो है ना वो देखो ही मज़ेदार है। मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा अगर आप लोग कबाब खाए ना इनके चिकन खाएंगे बीफ नहीं खाएंगे। अस्सलामुअलैकुम वबरकातुहू। मेरा नाम है शीश वाली और अभी मैं फिर से मौजूद हूँ हैदराबाद में क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा हैदराबाद के बहुत ज़्यादा मज़ेदार खाने। अभी मैं मौजूद हूँ मियानी रोड पे AR बर्गर पॉइंट पे। इनके पास जो बर्गर होते हैं और सैंडविचेस होते हैं बहुत VVIP होते हैं। और भाई मैं इनके पास वीडियो बनाने आया था लेकिन मुझे 4-5 लोग मिल गए कि कह रहे थे भाई मैं आपकी वीडियो देखता हूँ और बहुत अच्छा लगा, खुशी महसूस हुई मुझे। चले भाई इनके पास चलते हैं। उनके पास जो बर्गर्स हैं ना वो इस टाइप के, मतलब हैदराबाद में आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे इस टाइप के अंडे वाले बर्गर। और बड़ा कोई लजीज किस्म के इनके पास बर्गर बन रहे हैं। अभी मैं आपको मेकिंग दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग एक और जगह चलेंगे जहाँ पर जो लस्सी होती है वो बहुत मज़ेदार है और एक गोला कबाब बहुत मज़े के मिलते हैं। तो ये हम लोग 3-4 चीज़ें आज ट्राई करेंगे। तो भाई वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। भाई मिले, ये मेरी आज ही वीडियो देख कर आए। सलाम कैसे हैं? देखिए आपने वाली वीडियो देखी थी मैंने जो कटाकट वगैरह की बनाई थी। ठीक है और बताएं भाई ये बर्गर आपको कैसा लगता है? माशाल्लाह बहुत लजीज है। अच्छा अच्छी क्वालिटी। कितने टाइम से खा रहे हैं? मैं तकरीबन 15 साल से खा रहा हूँ। 15 साल से खा रहे हैं और भाई ये 1990 से है शायद, है ना? 1990 से है ना शायद इसका सेंस मैंने देखा। चले भाई बहुत शुक्रिया आपने। इन्होंने कहा कि भाई मैं आपको पहचान गया छल्ले से। भाई थैंक यू। अंकल कैसे हैं? क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। अंकल ये बताएं कितना टाइम हो चुका है इसको? ये तकरीबन हमें 1990 में लगाया था। अच्छा 1990 में। अच्छा कितने साल हो गए? ये तकरीबन 31 साल। 31 साल। अच्छा और कितने का बर्गर है? 20। ये उस वक्त हमने 2.5 रुपए का बेचा था। कितने का? 2.5 रुपए का। 2.5 रुपए का बेचते थे उस टाइम। अच्छा आप कितने का? आप बर्गर 130 रुपए का है। अच्छा और सैंडविच 120 रुपए का है। अच्छा और शामी कबाब 100 रुपए का है। शामी कबाब 100 रुपए। कितने बजे से कितने बजे तक होता है? ये हम मगरिब की नमाज के बाद लगाते हैं। अच्छा फिर तकरीबन 2:30 बजे तक। 2:30 बजे तक। अपने एड्रेस बता दें। हमारा एड्रेस है मियानी रोड, मियानी रोड बार बाजार हैदराबाद से। चले थैंक यू। आपको ये फोन वाला बर्गर मिल जाएगा और ये वाला भी बर्गर मिल जाएगा। दोनों अंडे वाला बर्गर होता है? दोनों अंडे वाला होता है और बर्गर भी अंडे वाला। और मैंने जो लगवाया ये वाला लगवाया क्योंकि ये वाला जो मैंने पहले खाया था और हम ये वाला ट्राई करें। भाई इसके अंदर जो है एक दाल की पैटी है, ठीक है, मैगी आगे और बीफ की और चिकन की दोनों होगी? दोनों। अच्छा भाई ठीक है, बीफ और चिकन आ गया, उसको सेक कर जाएगा। ये देखिए गरम गरम फुल कर। भाई हमारे पास जो है भाई अंडे वाला बर्गर आ चुका है। इसके अंदर भाई एक बीफ की पैटी है और अंडा है और ये बाकी बन है। बाकी इन्होंने जो है ये सॉसेस दी हुई, इनकी स्पेशल सॉस है ग्रीन वाली और इनके पास होती है दही वाली, ठीक है। और मैं इसकी जो ये वाली सॉस है इसके साथ ही ट्राई करूँगा। बहुत जबरदस्त।
बीफ का थोड़ा थोड़ा टेस्ट आ रहा है और बाकी थोड़ा दाल का टेस्ट आ रहा है। बाकी जो ये सॉस है ना, सारा किरदार इसका है। ये देखें बाबा, बहुत ही वीआईपी है। इस जैसा बर्गर मुझे लगता है हैदराबाद में हम कहीं भी नहीं मिलेगा। और थोड़ा ये मॉडर्न स्टाइल का बर्गर है, हमारी मन का बाबे और बहुत ज़बरदस्त है। तो भाई अब मैं आ चुका हूँ यूनिट नंबर 12 में। यहाँ पे एक लस्सी मिलती है, बहुत ही मज़ेदार होती है। और मतलब भाई इसकी लस्सी की मैंने इतनी कोई तारीफ़ें सुनी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक दफ़ा मैंने पी थी और बाकी मैंने तारीफ़ें ही सुनी है। तो आज मैं सेकंड टाइम ट्राई करूँगा ये लस्सी कैसी है। जब आप बार नंबर में आएंगे किसी से भी पूछते हैं यार ये मटके वगैरह कहाँ मिलते हैं, इसके बाहर ही आपको ये कैफ़े ज़ैनब मिलेगा, एक स्टॉल है छोटा सा, वहाँ पे आपको लस्सी मिल जाएगी। और ये लस्सी जो होती है बहुत ज़बरदस्त होती है, अभी दिखाता हूँ। और मैं सब थोड़ा गलत टाइम पे आ गया, अभी इनके पास ना रश नहीं है। वैसे इनके पास इतना रश होता है ना कि आपको आधे आधे घंटे की वेटिंग करनी पड़ती है। तो लस्सी वो बनना स्टार्ट हो गई। वैसे तो यार बहुत क्राउड है, लेकिन अभी एक दो लोग ही हैं क्योंकि मैं गलत टाइम पे आ चुका हूँ। और ये देखें भाई लस्सी जो है तैयार हो चुकी है। ये देखें भाई लस्सी के जो है गिलास भरे आ रहे हैं। यार कितने का लस्सी का गिलास? 60 रुपये। 60 रुपये का। क्या टाइमिंग है अभी? हम 6 बजे आते हैं, 2 बजे भाई मिले हैं। ये अभी लस्सी पी भी रहे थे, उन्होंने पार्सल भी करा लिया। उसने आलिम भाई कैसे हैं? अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अस्सलाम। और हाँ, तो ये बताया यार कितने टाइम से पी रहे हैं? ये तो 20 साल से लगा हुआ है इनका ना। हाँ, हमको बचपन से पी रहे हैं। बचपन से पी रहे हैं। इतने बड़े हम भी आया करते थे। अच्छा भाई, इतने बड़े आते थे और इतने बड़े हो चुके हैं। अच्छी लगती है लस्सी? भाई अच्छी लगी, पार्सल भी करा रहे हैं, पी के भी जा रहे हैं। भाई हैदराबाद की बेहतरीन लस्सी और इसके लिए भाई लोग फुल दीवाने हैं। तो अब मैं इसको ट्राई करूँगा। कमाल, बहुत ज़बरदस्त लस्सी है। और मतलब इन्होंने मलाई तो यार भर भर के डाली है, बहुत वीआईपी यार। अभी तो फिर भी मौसम थोड़ा सर्दी वाला हो चुका है हैदराबाद में। ये कह रहे हैं कि गर्मियों में तो इतना रश होता है कि खड़े होने की जगह नहीं होती, मतलब आधे आधे एक एक घंटे के लोग वेटिंग में होते हैं। और लस्सी जो है यार वो बहुत लाजवाब है। हैदराबाद की लस्सी आपको मिलेगी ना वो कम से कम 100-150-90 रुपये का गिलास मिलेगा, लेकिन 60 रुपये का गिलास है। और लस्सी जो है यार लाजवाब है भाई। इसके बाद हम लोगों को एक और जगह जाना है, वो भी सामने ही है, वहाँ चलते हैं। फिर भी दिखाता हूँ वहाँ पे क्या हो रहा है। इसकी लोकेशन मैं आपको समझा दूँ, बार नंबर में आप जैसे इंटर होंगे ये अल्लाह वाले मस्जिद है, इसके बिल्कुल सामने आपको मिलेगा ये वाले लस्सी का स्टॉल। ठीक है, ज़ैनब कैफ़े के नाम से आपको लस्सी मिलेगी। कैसे यार, वैसे क्या क्या होता है आप लोगों के पास? हमारे पास चिकन मसाला टिक्का है, ग्रीन टिक्का है, ये मलाई टिक्का भी है। अच्छा, बीफ में भी कुछ होता है? बीफ में बीफ गोला कबाब है, बीफ रोटी है। अच्छा, बीफ में आओ गोला कबाब में, चिकन में ही मिलेंगे गोला कबाब? भी गोला कबाब। अच्छा, ये कौन से वाले गोला कबाब? ये बीफ गोला कबाब है, चिकन का गोला कबाब है, बीफ रोटी है। मुझे आप चिकन का लगाइएगा। ठीक है, चिकन का लगाऊं? हाँ, चिकन वाला। चिकन वाला, ठीक है भाई। इनके जो गोला कबाब मैं पहले खा के गया था भाई, आपके गोला कबाब बड़े मज़े के थे, खाए थे। और वैसे मटन में भी कुछ होता है आपके पास? मटन में नहीं होता, मटन में नहीं होता, चिकन में और बीफ में होता है। चिकन में और बीफ में होता है। ये देखें भाई बारबेक्यू का सीन क्या लगा हुआ है भाई। इनका बारबेक्यू तो है ही मज़े का, लेकिन ये जो चटनी है ना इनकी जो ज़्यादा मज़े की। ये कौन सी चटनी है? ये कौन सी वाली चटनी? ये दाल वाली। दाल वाली? हाँ, इमली की। हाँ। अच्छा, और ये वाली दही की? ये वाली दही की है। बार नंबर आप जैसे इंटर होंगे ये अल्लाह वाली मस्जिद है, ठीक है, इसके पीछे। और ये शमा ब्रदर्स का स्टॉल है, यहाँ पे आपको धुएं चलते हुए नज़र आ रहे हैं भाई। ये होते हैं गोला कबाब शमा ब्रदर्स के। और मैंने पहले ट्राई किए थे तो मुझे अच्छे लगे थे, तो मैं सोचा ये शेयर करता हूँ आपसे। अब मैं इसको ट्राई करूँगा। इनकी जो स्पेशलिटी ना, वो जो इस बारबेक्यू को 4 चांद लगाते हैं, वो ये चटनी है। ठीक है, एक दही वाली चटनी होती है और इनके पास एक होती है इमली वाली चटनी, जिसकी वजह से ये बहुत मशहूर है। ठीक है, अब मैं इसको ट्राई करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये अगर आप खाली खाएं ना तो बड़ा वीआईपी काम लगता है इसको। मैं खाली भी खा के चेक करूँगा वैसे। ये देखें, मैं इसको जो है ये वाली चटनी के साथ ट्राई करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये देखिए, ये आ गए हमारी इमली वाली चटनी। और अगर आप इसकी दही वाली इसके साथ चटनी ना लगाएं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और इसके साथ हम लाएंगे प्याज थोड़ी। ये देखें, ओए ओए, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। उनके कबाब जो है ना वो इतने कोई मज़ेदार है, मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, अगर आप लोग कबाब खाए ना इनके, चिकन खाएंगे, बीफ नहीं खाएंगे, क्योंकि वो चिकन है ना वो बहुत नज़दीक होता है भाई, बहुत जाए। अभी अगर आप
खाली गोला कबाब भी खाया ना तो वो भी बड़ा मज़े का लगता है। हल्का सा इनके गोला कबाब में ना कोकोनट का टेस्ट आ रहा होता है। हाँ कबाब जो है भाई इनके लाजवाब है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक पेज और मैंने टिकटॉक का लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक पे जो है मैं काफ़ी अच्छी अच्छी रील्स बनाता रहता हूँ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।